इट इज 9 AM और मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा। बाकी भी शायद तैयार हो गए होंगे ऑलमोस्ट। अभी हम चल रहे हैं इंस्पेक्शन पे, देखेंगे सबके कमरों में घुस घुस के कि कौन कितना तैयार हुआ है, क्या कर रहा है। मैंने पता क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, बताने बैठूंगा ना दुखी हो जाओगे आप। ये तो मैंने देखा भी नहीं, इग्नोर कर दिया था इसको तो मैंने ऐसे। ओ ये कौन था? मैंने भाई चिकन सॉसेज, ऑमलेट, बॉइल्ड अंडे, पराठे, छोले भटूरे, साथ में कोल्ड कॉफी। साथ में कोल्ड कॉफी मत कर, मैंने भी नहीं खाया। तूने भी नहीं खाया? साथ में वो कौन से पोटैटोस थे? वो पोटैटोस। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू सो मच। ऐसी क्या बात है, अब तो मेरा फर्ज था। सबसे बढ़िया ढोल वाले भैया आ गए। अरे भैया क्या हाल है? बढ़िया। आज कौन से गाने? आज तेरे नैना बड़े का दिल मार ही डालेंगे। उसके बाद में होगा वो चंद दी कुड़ी बदला दी बहन सर तेन बिजली बिजली कैन लुधियाना सारे पीछे लाया तेरे तक के गोरिए नैन। सलोनी दीदी ने बोला है कि उनका कुर्ता फाड़ना है जीजा जी का, घर वाले ने फाड़। अरे उन्हें भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, हम भी तो फाड़ेंगे, अकेले कैसे फटेगा। अपनी टीम को जरा थोड़ा सा बकअप कर ले। हाँ खुश रहना दो, खुश रहो भाई।
मैं सोच रहा हूँ भाई मेरी शादी आने तक ना तू भी व्लॉगिंग शुरू कर दियो। भाई ऐसा सेम एक्सपीरियंस मेरे को भी चाहिए। मेरी शादी में तो आगे पीछे भाग रहा है, वीडियो बना रहा है। मजा आना चाहिए ना भाई हमको भी। अभी लंच होगा, फिर उसके बाद हमारे पास फाइनली 3-4 घंटे का ब्रेक है। शाम को सीधा शादी में मिलना है तैयार वैर होके, और कुछ नहीं होगा इसके बाद। बहुत मजा आ रहा है अभी तक तो, देखो आगे कैसे चलता सब कुछ। थोड़ी थोड़ी देर हम सारे सो रहे थे और हमने ना खाना मंगाया, और हमने मंगाया चिकन बिन किसी को बताए। अब दिव्य भैया के रूम में है, सोमन सो रहा है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। दिव्य भैया हैं, सबसे बड़े आदमी एक ही है भाई, मैं तो बता रहा हूँ। सेवियर 906 में एक तो रन लेते हो। मैंने कहा इतना सोचूंगा करूंगा कुछ, कोई नहीं आया। मैं नीचे जाते कोई नहीं आया, जाते भी कोई नहीं आएगा। ये तो सेवा की तरह ठोकते जा रहे हैं। ठोकते ठोकते विकेट नहीं गवा दे वरना हम दोनों आउट हो जाएंगे। Later that same evening. तुम नाम है कोई। नीचे बारात आनी शुरू हो गई है, हम हॉल में जा रहे हैं बस। अब उसके बाद इनकी एंट्री है, सारी रस्में शुरू होंगी। साला बोलने का भाव जरा अलग था। पगड़ी उतर गई, तैयार हो गए हैं सारे। अब बारी आने वाली फाइनली चादर की, और पोजीशन फाइनल है। हाँ आज ही तो है। किस दिन की वेट कर रहा था मैं? बोल ही गया। अगली शादी में पड़ेगा।
चलो चलो खाली करो खाली करो। बैठो तुम फेरे कौन ले रहा है क्या चक्कर है ये आप यहाँ क्यों 12 seconds later. ये सब दुगलापन हमने आपको बता दिया देखो गाइस यहाँ मनी हाइस्ट चल रही है अब हमें फाइनली लोकेशन पता लगी है जूतों की जूते नहीं निकल रहे कंबल में दबोच के बैठी हुई है शू हाइस्ट चल रही है ये चीटिंग नहीं है ऐसे मैं कंबल में दबोच के बैठूं कंबल उठा के बोलते शॉर्ट लेना उतने में जूता था सर कंबल हटवा दो डाइव ये ले लेगी क्या ये प्रतियोगिता करवाते हो जूते गिराने में भाई ऐसे ही फेरों के लिए उठेंगे ठीक है भाग के जाइयो कंबल खींचो नीचे से चप्पल खींचो मुझे कैच कराइयो मारना कराने रुकवाने तोड़ो चप्पल तो मुझे ही बेटा तेरे साथ जाना ये ध्यान रख तू तेरे लिए उसी चप्पल को ना पहन रहा हूं मैं तो मैंने अपने पास थोड़ी रखे जाते हैं ये तो ऐसे तो कोई नहीं तो फिर हाथ भी रख लो पहन लो क्या लेके दिखा अरे भाई अब अपनी मारी में तो सब जाने जा होता है जी है स्ट्रेटजी है या तो लड़की ले अच्छा जूते हमें दे नहीं रहे हैं तो अभी जो हमारे पास एक आइडिया है वो यही है पीछे से आए सिरोमाल में क्लोरोफॉर्म डाल आए और जूते लेकर भागे मगर क्लोरोफॉर्म मिल नहीं रहा है को क्लोरोफॉर्म लगाना पड़ेगा कुछ सुंदर नहीं रहेगा आस पास कैमरा में देखे मुस्कुरा दीजिए यार जूते पहनाए तुमने हार के जब उसके साथ जल्दी नहीं हुई वो भी जल्दी करे उसे इतनी देर तक बैठा के रखा है तो मैंने बैठा के रखे 20-25 मिनट बाय बोल दो ब्लॉग को खत्म हो गई शादी चल रही है अब अगला ब्लॉग क्या आपकी शादी का बाय 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 मामो बाय सोमिल टेक केयर बाय 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 बॉय नाइस इट वाज सो फन गॉड ब्लेस बाय आप कैसे कहते हैं तो डू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो डू कमेंट ऑन दिस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट वेडिंग व्लॉग जो बहुत क्रेजी था अभी तक खत्म हो चुका है और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए